साहब दाडू में एक डीएसपी रेड मारने गए थे और खनन माफिया ने जो है वो डंपर के नीचे कुचल दिया, मौके पे ही मौत होगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। साहब इस तरीके के जो है पूरे प्रदेश में यमुनानगर में भी जो है कई बार ऐसे मामले आए हैं? नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब के माइनिंग माफिया यमुनानगर से लेकर नूह और मेवात तक सर चढ़कर हरियाणा के खजाने को लूट रहा है, हरियाणा के खनिजों को लूट रहा है। खट्टर सरकार आंख बंद करे क्यों बैठी है? इससे साफ है कि यहाँ दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। हमारी मांग है कि नूह के अंदर जो एक दर्दनाक हत्या डीएसपी की हुई है उसकी न्यायिक जांच हो, हाई कोर्ट के सिटिंग मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश से, जो डीएसपी जिनकी हत्या की गई है, कत्ल का मुकदमा दर्ज कर सब दोषियों को फौरन गिरफ्तार किया जाए, बाकायदा ये इन्वेस्टिगेशन। हरियाणा में अवैध माइनिंग का धंधा बढ़ता जा रहा है, अवैध माइनिंग करने वाले को हौसले यहाँ तक बढ़ गए कि डीएसपी के ऊपर अब बम्पर चढ़ाने लगे। बहुत खींच का विषय है, इस घटना की मैं निंदा भी करता हूँ, परंतु हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूँ। 2018 में सीएजी ने रिपोर्ट दी थी कि 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जो माइनिंग का पैसा माइनिंग में जमा नहीं हो रहा। जितने हरियाणा के अंदर टेंडर निकलते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के टेंडर हो, चाहे वो हरियाणा सरकार के टेंडर, माइनिंग का पैसा अलग से जमा होना चाहिए। आज 50,000 करोड़ रुपए कम से कम मुख्यमंत्री कार्यालय या मंत्रियों के कार्यालय के निर्देश पे हरियाणा सरकार के चुराए जा रहे हैं। जो पैसा हरियाणा सरकार के राजस्व के अंदर जमा होना चाहिए था, वो ठेकेदार और लीडर मिलके खा रहे हैं। क्यों नहीं हरियाणा सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करती? क्यों इतना गुंडाराज बढ़ता जा रहा है कि डीएसपी के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जाता है? आज विधायकों को धमकियां मिलती है, जो सरकार अपने विधायकों को सुरक्षित नहीं रख सकती वो हरियाणा की जनता को कैसे सुरक्षित रखे? मौके पर ही मौत हो गई है डीएसपी की। बहुत कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं और जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए और माइनिंग की सारी रकम वसूल करके हरियाणा सरकार के अंदर जमा होनी चाहिए। साथियों, आज नूह के पंचगांव के अंदर जिस तरीके से अवैध खनन माफियाओं ने एक डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई के ऊपर जिस तरीके से अटैक करके उनको मौत के घाट उतार दिया, उनकी शहादत ले ली, ये इस बात को दर्शाता है कि आज हरियाणा के अंदर माफिया किस तरीके से हावी है, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो भूम माफिया हो, चाहे वो नशा और लिकर माफिया हो, या किसी भी हम उसमें देखे हैं, आज पूरी तरीके से हरियाणा के अंदर जंगल राज है, अपराध और अपराधियों का बोलबाला है और सरकार इसको नियंत्रित करने में पूरी तरीके से विफल रही है। पिछले 8 वर्षों के अंदर लाखों करोड़ रुपए के इस तरीके से अवैध माइनिंग के माध्यम से वो घोटाले और भ्रष्टाचार हुए हैं। पिछले दिनों डाडम के अंदर पूरा पहाड़ का पहाड़ दरक गया था नीचे, उसके अंदर सैकड़ों लोग दब गए थे, उसके ऊपर थोड़े दिन के लिए पाबंदी लगाई, फिर खोल दिया गया, फिर दोबारा घटना घटी, ऐसे ही पहले महेंद्रगढ़ के अंदर हुई। तो पूरे हरियाणा के अंदर, चाहे वो अरावली की पहाड़ियों के अंदर हम देखें, आज नूह की घटना को देखें, या फिर पूरा यमुना का जो हमारा इलाका है यमुनानगर से लेकर के और पलवल तक, वहां भी इसी तरीके से इलीगल माइनिंग होती रही है। और आज मंत्री